अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो में जो आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि आपको पीसीओडी है, आपको पीसीओएस है, आपको सिस्ट कैसे बनी, आपको पता कैसे चला कि आपको सिस्ट है, उस चीज से रिलेटेड जो है आज की सारी वीडियो है। अब मैं आपको जो है ना शुरू से बताऊंगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे कैसे पता चला कि भाई अच्छा मेरे साथ कोई मसला चल रहा है। तो बात है ये अभाज की डिलीवरी, क्योंकि आपको पता है मेरे सारे बेबीज जो है वो नॉर्मल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभाज की दफा में कॉम्प्लिकेशन थी, हो गया। उसके बाद जब अभाज का मैंने आपको बताया हुआ है कि वो कितने दिन इंक्यूबेटर में रहा, क्या क्या सीन था, वो सब कुछ हो गया ना। उसके बाद भी ना मुझे बेक में जो है वो बहुत शदीद पेन रहती थी, बहुत शदीद वाली पेन, ऐसी पेन होती थी कि मैं थोड़ी देर बैठती थी और बैठ के उठती थी तो मेरे से उठने ही नहीं होता था। मैं थोड़ी देर ना ऐसे झुक के खड़ी रहती थी कमर पर हाथ रख के, और मैं समझती थी कि शायद सी सेक्शन में जो कमर पर टीका लगता है नहीं, उसकी वजह से होती है। और मैं जब से मैं डिस्कस करती थी ना, सब ये बोलते थे ये तो मैं सी सेक्शन में जो टीका लगता है उसकी वजह से, तो मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। तो उसके बाद ना मुझे अभाज जो है ना साल का हो चुका है माशाल्लाह से, तो मुझे ना बुखार हुआ है दो दफा। आपको पता है ना कोरोना हुआ था हम लोगों को, फर्स्ट कोरोना के बाद मुझे इतना मसला नहीं बना, लेकिन जब मुझे सेकंड कोरोना हुआ है ना, ये हुआ था मुझे मेरे देवर की शादी से पहले, और ये है फरवरी के लास्ट की बात की, फरवरी के लास्ट में हम सबको बुखार हुआ था। मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने मोबाइल की अनबॉक्सिंग की है, और उसमें मैंने जैकेटें पहनी हुई है, इतनी गर्मी में मुझे इतनी ठंड लगी थी। उसके बाद से मेरे मेन मसले स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद से मेरे मेंसेस इरेगुलर हो गए थे, उसके बाद से मुझे शदीद हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद जो मेरी बेक का पेन था ना वो शदीद तरीन हो गया था कि मैं थोड़ी देर बैठ नहीं सकती थी, मैं सारा टाइम खड़ी रहती थी, मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया था, और मुझे पीरियड्स नहीं आते थे, पीरियड्स मुझे इतने पेन से आते थे, और सिर्फ एक दिन आता था पीरियड, वो भी गंदा सा अजीब सा ब्लड आता था, और मैं समझ रही थी शायद बुखार हुआ है ना मुझे, उसकी वजह से मुझे वीकनेस हो गई। हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते, हालांकि पीरियड्स ना आना ना ये सबसे बड़ी टेंशन की बात है। और मैंने तो मैंने भी वो किया, मैं अवॉइड करती रही जब तक कि मुझे शदीद किस्म का जो है वो यूरिन इन्फेक्शन हो गया, और फिर उसके बाद मेरे पेट पे स्वेलिंग हो गई। आपने काफी वीडियो में देखा होगा मेरा पेट इतना स्वेल हुआ था जैसे पता नहीं 6 मंथ प्रेग्नेंट हो, और सब मुझे पूछ रहे आप प्रेग्नेंट। खैर फिर उसके बाद जब आप लोग मैरिड होते हैं ना तो आपको समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे ही ना मुझे एक दिन इतनी शदीद पेन हुई ना, फिर उसके बाद मैंने कहा मेरी बस हो चुकी है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वकास तो मुझे काफी टाइम से बोले तुम चेकअप करवाओ, पर मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा होता है ना कि डॉक्टर जाना होता है, हम बच्चों को साथ लेके नहीं जा सकते, फिर मुझे इतनी टेंशन होती है मैं बच्चे कहाँ छोड़ के जाऊँ। फिर हम लोग जिन्हें बच्चों को घर छोड़ा, अकेले ही घर को लॉक लगाया, बलाज को हम साथ ले गए थे क्योंकि बलाज बहुत तंग करता है, तस्वीर साफ इनकार कर देती है कि मैं इसको नहीं रख सकती हूँ। खैर फिर मैं बलाज को ले गई, फिर मैंने सारे टेस्ट अपने करवाए क्योंकि मुझे बाल इतने गिरना शुरू हो गए कि अभी तो मेरे कुछ बीमार, मतलब इतना बाल जो है ना मेरा ऐसे पूरा जड़ समेत ऐसे करती थी मैं, और यूं मेरा बाल निकलता था ऐसे। मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, पेन शदीद तरीन, पेशाब करने में मुझे दर्द हो इतना सा शदीद, हर वक्त मैं नलों को पकड़ के ऐसे बैठी रहूं, चल नहीं सकती मैं, झुक नहीं सकती मैं, नमाज नहीं पढ़ सकती, मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ शुरू हो गई। फिर टेस्ट वगैरह करवाया तो टेस्ट में व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा आए थे और सब चीज ठीक थी, एचबी वगैरह ठीक था। एक मुझे प्रोटीन की डिफिशियंसी आई थी, प्रोटीन एस की डिफिशियंसी आई थी, और वो भी किस वजह से आई थी कि वो जब बॉडी में कोई क्लॉट बनता है ना उसकी वजह से आती है, तो उसमें भी मुझे थोड़ा हुआ कि क्या हुआ। फिर मेरा कोई क्लॉटिंग के टेस्ट भी हुए थे, वो मेरे ठीक आए थे। अच्छा इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह सब कुछ हो गया मेरा। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं ना अल्ट्रासाउंड करवाती हूं, मुझे दर्द जो है ना वो नीचे वाले एरिया में, मुझे ये तो समझ में आता था कि मुझे नीचे दर्द और पीछे कमर में दर्द हो रही है मुझे। और मैं वकास को ये भी बोलती थी अगर ये मुझे पित्त की वजह से कमर में दर्द है तो पित्त तो मेरा राइट साइड पे, तो मुझे जो बैक पे पेन होती है वो कमर की लेफ्ट साइड पे होती है मुझे पेन। फिर जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चल गया कि जी आपको सिस्ट बनी हुई है, और जो मेरा राजेश अल्ट्रासाउंड हुआ था ना उन्होंने मुझे बोला था नॉर्मल सिस्ट है आपकी, लेकिन ना मुझे उस अल्ट्रासाउंड से जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी। मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने बस ऐसे मशीन लगाई और बोला हाँ भाई सिस्ट है आपको, मैंने बोला सिस्ट क्या होती है, उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। फिर मैं खैर वहां से आ गई, उसके बाद ना मैंने आईडीसी से करवाया था क्योंकि आईडीसी की जो मशीन है वो बहुत अच्छी है, दूसरी बात है वहां पे जो सोनोलॉजिस्ट है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से गाइड। जब मैंने वहां से करवाया फिर उन्होंने पूरा डिटेल से देखा मेरा, उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपकी जो सिस्ट है वो बैक की तरफ जो है वो 6.99 सेंटीमीटर है और फ्रंट पे जो है वो 5.8 सेंटीमीटर है, मतलब ये बैक की तरफ जो है वो ज्यादा है, तो इस वजह आपको बेक में ज्यादा शदीद पेन हो रही है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन भी रह चुका है आपको, और जब सिस्ट में आपको इन्फेक्शन बन जाना तो ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, आपको पता है अल्लाह ना करे बाद में वो किसी और चीज में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो वो बोल रही थी कि जो आपको इन्फेक्शन था अल्हम्दुलिल्लाह वो अब खत्म हो चुका है, उन्होंने बहुत अच्छे से देखा था, आई थिंक उन्होंने कम से कम 15-20 मिनट तक सारा देखा होगा घुमा के, और उनको जो मशीन, वो बोल रही थी कि इसमें सारा क्रेडिट जो है वो मैं खुद नहीं लेती कि मैं बहुत स्पेशलिस्ट हुई है, वो नहीं, जो आईडीसी की जो मशीन है ना वो काफी एडवांस है, यानी कि वो आपको 4D इमेज भी दे देती है अगर आपको चाहिए हो तो। तो उसके बाद मुझे पता चला, मतलब मुझे लगता है कि मैंने लापरवाही वहां की, जब मुझे पीरियड्स नहीं सही आ रहे थे ना और मुझे पीरियड्स में शदीद वाला पेन हो रहा था तो मुझे उसी टाइम ही चेकअप करवाना चाहिए था अपना, और मैंने अपना चेकअप नहीं करवाया।
और मैं इस चीज को जो है वो काफी नॉर्मल लेती रही, ये सोच कर कि मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा अभी सी सेक्शन भी हुआ है, मुझे उसके बाद दो दफा इतना शदीद बुखार हुआ है कि हम 7-8 दिन बुखार में थे कोरोना की वजह से, तो उस वजह से मुझे वीकनेस हो गई है। और एक और चीज बताऊं कि ज्यादातर डॉक्टर्स हमें ये भी कह रही थी कि काफी लड़कियां ऐसी हैं जो बेचारी मैरिड भी नहीं है लेकिन उनको कोरोना हुआ और उसके बाद जो है उनको सिस्ट बन गई। और ऐसे ही मेरी एक कजन है, मेरे चाचू की बेटी, उसकी फ्रेंड के साथ भी सेम यही हुआ कि वो बेचारी मैरिड भी नहीं है, उसको कोरोना हुआ था उसके बाद उसको सिस्ट बन गई, उसको भी डॉक्टर ने यही कहा कि काफी केसेस ऐसे आ रहे हैं कि कोरोना के बाद लड़कियों को सिस्ट बन रही है। तो अब मुझे ये पता नहीं है कि मेरी सिस्ट जो थी वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनी थी या मुझे बनी है कोरोना के बाद, मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, क्योंकि अब हाज की जो डिलीवरी है ना उसके बाद भी मेरे पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर थे, इवन के आपको पता है ऑपरेशन के बाद तो आते ही नहीं है, पर मैं ऑपरेशन मेरा हुआ था और मेरे 40 दिन हुए नहीं है और अगले दिन मुझे आ गए थे, इतनी टेंशन की मुझे फ्री ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मैं डॉक्टर के पास चेक करने गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि माशाल्लाह आपका तो साइकिल स्टार्ट हो गया, और माशाल्लाह अच्छा जैसे होता है ना, जिसको मेरा जो शुरू से है बचपन से मुझे पता है कि हाँ भाई मेरा ये नॉर्मल है और मेरा ठीक आता है, तो डॉक्टर ने मुझे नताशा आपका तो साइकिल स्टार्ट हो गया, अब आप एहतियात करना वरना आप दोबारा से कंसीव कर सकती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे ये प्रेगनेंसी के, मुझे लगता है मुझे ना मुझे दो डाउट है, या ये मुझे कोरोना के बाद हुई है या मुझे ये हुई है जब मुझे सीरियस किस्म का पेल्विक इन्फेक्शन हुआ था, बहुत जो यूरिन इन्फेक्शन था, मुझे बहुत शदीद हुआ था कि 15 दिन तक जो है ना मैं बाथरूम जाते हुए रोती थी और मेरे दवाइयां और साश ऐसे होते हैं, 2 दिन डॉक्टर को चेक करवा के वो लिया, उसके बाद से मुझे यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता रहा है प्रॉपर, वो अंदर क्योंकि कोई मसला चल रहा था इस वजह से होता रहा है। तो बस इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोग ना, मतलब मैं अपनी बात करती हूँ कि हम हाउसवाइफ्स जो होती है ना बच्चों में, घर में, ससुराल में और इन सब चीजों में इतना बिजी हो जाती है ना कि हम अपनी लाइफ जो है मतलब अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, अपनी थोड़ी सी भी बीमारी होती है कुछ मसला होता है अपने आप को अवॉइड कर देते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे अच्छा अगले हफ्ते चले जाएंगे ऐसा कर लेते हैं, तो फिर वो मसला जो है मेरा हमारा बढ़ जाता है। अब जैसे मेरी सिस्ट का साइज जो है वो बढ़ गया है, अब मेरे पित्त में पथरी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस किस चीज का ऑपरेशन करवाऊं। अब आकाश तो बोल रहे हैं तुम दोनों जो है वो इकट्ठे ही करवा लो, और एक डॉक्टर तो बोल रही है आप करवा लो, दूसरी डॉक्टर जो है मुझे ऑपरेशन की तरफ लेके नहीं जा रही, वो मुझे बोल रही है कि अभी वो जो मैंने आप लोगों को बताया था, मैं इस जिसको नहीं पता उसको बता रही हूँ, एक डॉक्टर ने मेडिकल में गई थी वहां पर मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि आप लोग जो है ना, मतलब मैंने ना काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल में चेक करवाया है, मैं लोकल भी नहीं गई किसी के पास भी, बोलते हैं ना सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए इस वजह से, तो उन्होंने मुझे बोला है कि अभी तो आपको जब साइकिल आएगा ना अभी आपने कुछ भी नहीं करना, उन्होंने मेरी एंटीबायोटिक्स वगैरह सब खत्म करवा दी, अभी आपने कुछ भी नहीं करना, आपको जब सेकंड अभी जो साइकिल आएगा उसके बाद जब आप साफ हो जाएंगी उसके बाद जो फेमिलिया एक टेबलेट होती है आपने उसमें से व्हाइट वाली टेबलेट जो है वो 3 महीने प्रॉपर लेनी है, उससे क्या होगा आपकी यूटरस जो है वो स्लिप हो जाएगी और यूटरस जो है वो एग नहीं बनाएगी और एग नहीं बनाएगी तो आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। तो जब आपने 3 महीने वो लेनी है उसके बाद आपने छोड़ सिर्फ व्हाइट वाली टेबलेट लेनी है, मैंने कभी फेमिलिया नहीं खाई है और उसमें व्हाइट और ब्राउन कोई टेबलेट होती है डॉक्टर ने बताया है वो, तो वो आपने लेनी है और उसके बाद जो है आप जब उसको छोड़ेंगी ना 3 महीने बाद तो उसको आपके नेक्स्ट ही उसी दिन ही आपको आ जाएंगे, आपका साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और जब आपका साइकिल होगा तो आपको शायद काफी हैवी ब्लीडिंग हो, ये सारा उन्होंने मुझे ऑलरेडी बताया कि आपको घबराना नहीं है, आपने जब वो खत्म हो जाएगा आप जब साफ हो जाएंगी फिर आपने मेरे पास आना है, फिर मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूंगी अगेन और फिर हम देखेंगे अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह सिस्ट जो है वो उसी में ही खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर नहीं हुई तो फिर इसका लास्ट हल जो है वो ऑपरेशन ही है कि आपको ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि इन 3 महीनों में अगर आपको शदीद पेन हो तो आपने वेट नहीं करना, आपने फौरन आकर ऑपरेशन करवाना है, इन 3 महीनों में आपको बुखार हो तो आपने वेट नहीं करना, आपने फौरन साके ऑपरेशन करवाना है, उल्टी आना, दिल खराब होना, ये अब ना मुझे जब से मैंने एंटीबायोटिक्स भी छोड़ दी हैं तो मुझे वापस से वही सेम है, मेरा यूरिन फिर से येलो होना शुरू हो गया है, गर्म जलता हुआ पेशाब आता है मुझे और मुझे ना अब पेन होती है, अब मुझे ना स्पेसिफिक जगह पता चलती है कि मुझे इस जगह पे पेन हो रही है और इसी पे मुझे बैक पे पता चलती है मुझे पेन हो रही है, और अब मुझे पेन ना क्योंकि पहले तो इन्फेक्शन हुआ था तो पूरे में पेन हो रही थी पूरे पेल्विस में, अब मुझे पेन ऐसी होती है जैसे ये जगह ना मेरी ऐसे मतलब अब चप चप किस चीज को बोलूं मैं, मतलब मुझे अजीब सी पेन होती है किसी को बता भी नहीं सकती, ऐसे चप 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 ऐसे कोई चीज अंदर है और वो इस तरीके से ना पल्स होती है जैसे ऐसे ऐसे हो रही है, वो मुझे पेन करीब उसकी लहर जाती है दूसरी ओवरी तक और मुझे सर में दर्द होती है, मैं इतना दांत निकाल रही हूँ लेकिन यकीन करें पिछले दिनों में बहुत दर्द थी, आपने मेरी शक्ल देखी होगी लेकिन अब थोड़ी सी फ्रेश हो गई हूँ मैं, ये कि फ्रेश इसलिए हो गई कि अब सारे में से दर्द खत्म हो गई है ना बस। और हाँ एक और चीज़ है कि डॉक्टर ने बोला था कि इसके ना काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन जो रीज़न है ना वो यही है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही आपको ना, एग नहीं आपका रिलीज कर रही ओवरी, और हमारी ओवरी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ना एक मतलब मैं जब डॉक्टर्स के पास जाती हूँ और उनकी बातें सुनती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने कैसे एक निज़ाम बनाया हुआ है, मतलब पित्ता अल्लाह ने कैसा बनाया हुआ है कि उसके अंदर इतनी बारीक नाली है जो कि बाइल को फिल्टर करती है, उसके अंदर से इंसान बना ही नहीं सकता ना इंसान उस पित्ते में से पथरी निकाल सकता है, उनके पास यही हल है कि वो पित्ता ही रिमूव कर दे।
तो मतलब अल्लाह ताला का जैसा सिस्टम तो कोई भी नहीं बता सकता। अब जब अल्लाह ने ओवरीज बनाई, अल्लाह ने यूटरस बनाई है, उसकी ओवरीज हैं, उसके फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, फिर उसमें से एग रिलीज होता है, पूरा प्रोसीजर है। और जब आपकी ओव्यूलेशन नहीं होती ना, क्योंकि वो फिर एग कहीं ना कहीं तो निकलना होता है, तो फिर आपकी ओवरीज में वो बन जाता है एक, और फिर वो रिलीज नहीं हो पाता, तो इस वजह से वो वहां पे बनता रहता है, बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, फिर वो आपको दर्द देना शुरू हो जाता है। इस तरीके से कुछ लोगों को बाय बर्थ होती है, क्योंकि सिस्ट की जो है वो टाइप भी है। डेंजरस तब होती है जब आपको सिस्ट में ट्यूमर बन जाए, अल्लाह ना करे, और ट्यूमर बनता है आफ्टर इन्फेक्शन, कि आपको इन्फेक्शन हो जाए सिस्ट में, आप इलाज ना करवाएं और आप बैठे रहें, दर्द सहते रहें, और आपको वो इन्फेक्शन जो है वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसकी जड़ें अल्लाह ना करे निकल जाती हैं। फिर अक्सर लोगों की जो है वो ओवरी भी निकालनी पड़ जाती है, अक्सर की फ्लोपियन ट्यूब भी निकालनी पड़ जाती है, और अक्सर की पूरी पूरी यूटरस भी रिमूव करनी पड़ जाती है, ये फिर सारे मसले होते हैं। तो अच्छा, इसका एक रीज़न तो ये था ओव्यूलेशन, जो कि मुझे लगता है मेरा रीज़न था, क्योंकि मुझे पीरियड्स इरेगुलर थे और मुझे पीरियड्स सही नहीं आ रहे थे, मुझे एक ही दिन पीरियड होते थे, वो भी बिल्कुल एक दो डॉट मुझे लगते थे सिर्फ, और मुझे मैंने चेकअप नहीं करवाया कि भाई क्यों नहीं आ रही है, क्या मसला है। दूसरा रीज़न होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स, और मैंने कभी भी बर्थ कंट्रोल पिल्स ली नहीं, ना मुझे पता था कि कौन सी लेनी है, कैसे लेते हैं, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी, अभी तक भी मुझे नहीं पता, ना मैंने कभी कोई इंजेक्शन लगवाया। मैंने एक दफ़ा जो है बस वो रखवाई थी टी, और वो भी मुझे सूट नहीं की थी, मुझे उससे भी शदीद इन्फेक्शन हो गया था, मैंने वो भी निकलवा कर फिकवा दी थी कि भाई मेरे बस का रोग नहीं है ये। तो मतलब मैंने तो अभी कभी भी ऐसी कोई चीज़ ली ही नहीं कि जिससे मैं मतलब ये कहूँ कि हाँ, क्योंकि ना मैंने सुना है डॉक्टर ने मुझे बोला था बर्थ कंट्रोल पिल से होती हैं ये मोस्टली, उसके अलावा लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती तो उनको हम कोई दवाई देते हैं उससे हो जाती है ये, तो वो भी मेरा नहीं था। फिर तीसरा होता है पेल्विक इन्फेक्शन, तो मुझे तो यही लगता है या ओव्यूलेशन ना होने की वजह से, या पेल्विक इन्फेक्शन होने की वजह से, या क्या पता आफ्टर कोरोना हो गया हो। मुझे काफी लड़कियां मुझे ये भी कह रही थी कि आपको ना ये अभाज की दफा में बनी होगी, लेकिन मतलब प्रेगनेंसी में बनती हैं सिस्ट, मगर जब बेबी डिलीवर होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाती है या डिलीवर हो जाती है, पर आपका क्योंकि सी सेक्शन हुआ था और वो भी प्री मैच्योर हुआ था, तो तब ये डिलीवर नहीं हुई और बाद में जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई। पर मुझे दुख इस बात का, काश मैं इसको स्टार्ट में ही, मैं सोचती रही कि मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द है, मैं चेकअप करवाने जाऊंगी, लेकिन जब सब मुझे बोलता था ना ये ना तुम्हारा ना जो इंजेक्शन लगता है ना कमर में, ये उसका पेन है। अभी मैं जब लास्ट सरगोधा गई थी ना ईद के बाद, तो मेरी नंद के दो बच्चे हैं ऑपरेशन से, और उसको मैंने नहीं देखा कि वो हाथ पकड़ के खड़ी होती है, और मैं तो थोड़ी देर कुर्सी में बैठी रहूँ, मैं खड़ी होंगी ना, थोड़ी देर से झुक के खड़ी रहूंगी कमर पे हाथ रखे एकदम से सीधी खड़ी। फिर मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा तुम्हारे भी तो दो बच्चे ऑपरेशन से हुए, तो तुम्हें तो मैंने नहीं देखा कि तुम कभी हाथ रख के खड़ी होती हो। हाँ ऐसा पेन होता है इसका, जब कभी कभार जब बारिश का मौसम हो कुछ, तो अजीब से वो टांके वाली जगह जो चलते हैं ना, दर्द सी होती है अजीब सी, वो समझ आता है कि ये उसकी हो सकती है, लेकिन ये मुझे इतनी शदीद पेन कैसे हो सकती है कमर वाले ठीक है, क्योंकि मैं 5 मिनट तक सीधी नहीं हो सकती, वैसे कमर पर हाथ रखे सीधे होया ही नहीं जाता, ऐसा था कमर टूट जाएगी अगर मैं सीधी हुई तो। उसको देख के मैंने सोचा कि नहीं यार, ये टीके की पेन नहीं है, ये कुछ और है। तो मुझे ये होता है कि काश मैं स्टार्टिंग में चेक करवा लेती, उसका साइज इतना ज्यादा ना बढ़ता, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ना होप दिलाई 50-50, क्योंकि इसका साइज इंक्रीज है। डॉक्टर ने बोला कि मोस्टली जो ऐसा होता है, मतलब वो ये भी बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि हमने नहीं निकाली, हमने 19 जो है वो सेंटीमीटर की सिस्ट भी निकाली है, लेकिन वो क्योंकि पानी वाली होती है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो है ना वो इतनी ईजिली निकलती नहीं है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट ऐसी है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन, पहले ये आम सिस्ट थी लेकिन इसमें इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने की वजह से इसकी शक्ल चेंज हो गई, अब इसमें ब्लड के वेजल्स भी हैं और इसकी शेप भी काफी चेंज है, ये पीछे से लंबी है आगे से गोल है, मतलब वैसे सिस्ट अमूमन गोल होती है पूरी, पर यह पीछे की तरफ लंबी से निकल गई और आगे की तरफ गोल सी, और इसकी शक्ल चेंज हो गई है इन्फेक्शन होने की वजह से, और इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स सिस्ट बोल रहे हैं। और कोई नाम भी बताया था इसका मुझे, एंडोमेट्रियोसिस कुछ इस तरह से कुछ, मुझे नाम इसका नहीं याद है सही से। मतलब इस सिस्ट का ना ज्यादातर चांस यही होता है कि ये दवाइयों से नहीं निकलती है, ऑपरेशन से ही निकलती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आ रहा था, लड़कियां बोल रही थी हमें भी यहाँ पेन है, हमें भी ये मसला है, हमें कैसे पता चलेगा हमें सिस्ट है, या आपको कैसे पता चला। तो मुझे ना पीसीओडी है ना मुझे पीसीओएस है। अब मुझे जब मुझे सीवियर इन्फेक्शन था ना, उन दिनों में ऐसा था मैं कोई भी चीज फेस पे लगाती थी ना, अब देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेस बिल्कुल ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ना उन दिनों में ऐसा था मैं कुछ भी लगाती थी फेस पे, मेरा फेस सूज जाता था और लाल सुरख हो जाता था, और हेयर फॉल भी इतना शदीद था। मैंने तो हेयर फॉल के लिए एक्स्ट्रा केयर करनी, मतलब हर वक्त में, अभी मैंने बाल शैम्पू करे, मैं फिर तेल लगा लूंगी बालों में, तेल लगाना, बालों में सीरम्स लगाना, पीआरपी भी मैंने करवा ली थी कि भाई मैं मजीद वेट नहीं कर सकती, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे बाल गिरना अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरा काम ही सारा स्किन का और बालों से रिलेटेड है, तो मैंने एक्स्ट्रा केयर करनी शुरू कर दी थी कि मेरे बाल जो है वो गिरना कंट्रोल हो जाए, क्योंकि बहुत शदीद वाले गिर रहे थे, बहुत शदीद वाले। खैर अब आप लोग जो पूछ रहे थे
है कि आपको कैसे पता चला, कैसे पता चलता है, कैसे खैर के हाल करने चाहिए। बस मेरा आप सबको ये मशवरा है, प्लीज माएं है ना तो वो अपनी बच्चियों को नोटिस में रखा करें अगर उनको कोई इस तरह का मसला, क्योंकि मैंने देखा 14 साल की बच्चियों को मसले, 16 साल की बच्चियों को मसले, नॉलेज ही नहीं होती, पता ही नहीं होता। तो आप लोगों को कभी भी मतलब, क्योंकि ना पीरियड्स जो है ना वो इरेगुलर होते हैं 40 के बाद, अभी 30 की भी नहीं हुई और मैंने ये चीज भी नहीं देखी। पर मतलब मैंने ये देखा जो सब बोलते हैं अब तुम्हारे अंदर बच्चा क्या है, बच्चे हो गए, अब कहाँ से कौन आएगा, ये वो सब ये चीजें बोलते हैं। मैं भी वो चीज सुन के मैंने कहा हाँ सही बोल रहे हो, आ गया मेरे अंदर बच्चा क्या है। लेकिन ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा भी मसला होता है, कहीं पे भी दर्द हो, कुछ भी हो, तो प्लीज अवॉइड मत किया करें, क्योंकि काफी ज्यादा सीरियस हो सकती है वो चीज़ आगे जाके। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने हस्बैंड को भी कहा करें कि भाई आपका ख्याल रखें, आप हैं तो जहान है, आप हैं तो आपके बच्चे हैं, आप मतलब ये तो बात बिल्कुल सही है कि जब अल्लाह ताला ने मुझे पाला है वो मेरे बच्चों को भी पाल लेगा। लेकिन जो सगी माँ होती है, जो सगा माँ बाप, जो सगे बाप होता है, जो सगी माँ होती है, जैसे वो अपनी औलाद का ख्याल रख सकती है ना, कोई दुनिया का बंदा नहीं रख सकता। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। अब आई होप कि जो आपके सवाल थे आपको सबका जवाब मिल जाएगा, मैंने शुरू से आपको कहानी सुना दी है। तो अब आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी। बाकी मेरे लिए दुआ भी करना, मुझे मशवरा भी देना, मुझे गाइड भी करना कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी तक डोरा डम हुई हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ऑपरेशन करवाऊँ नहीं करवाऊँ, ऑपरेशन करवाऊँ नहीं करवाऊँ, दिल करता करो पकड़ बम्बे वो करूँ, जो आया वो करवा लूँ। मकास तो बोलते हैं करवा लो ऑपरेशन, बस जान छुड़ाओ। फिर मैं कहती हूँ कि यार फिर ऐसा ना हो दोबारा बन जाए, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि दोबारा भी बन जाती है, फिर मुझे ये भी डर लगता है, फिर मुझे गॉल ब्लैडर भी निकलवाना, मतलब मेरा दिमाग काफी घूमा हुआ है कि मैं क्या करूं। आप लोग मुझे गाइड करो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस दुआ करना ढेर सारी मेरे लिए, अपना ख्याल रखना, और मैं भी अब कोशिश करूंगी अपना ख्याल रखूं और अपने कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो अवॉइड नहीं करूं। और आप लोग भी अपना ढेर सारा ख्याल रखें घर के कामों में, बाहर के कामों में। मतलब मैं ना मशीन बनी होती थी, यकीन करें मशीन, कि मैं नींद भी प्रॉपर नहीं लेती थी, 4-5 घंटे बस मैं टोटल सोती होंगी, घर के भी काम, बाहर के भी काम, फिर यूट्यूब भी, फिर इंस्टाग्राम भी, और वीडियोज़ बनाना, सोचना, ये सब इतना ईजी नहीं है जितना सबको लगता है, बहुत ही टफ काम है। एडिटिंग करना, बेड के एडिटिंग करने में कमर टूट जाती है। तो बस खैर ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, कहती हूँ ना अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, तो रखा करें अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।